मस्तक सिंहासन पर। चमकते हुए भाग्य को देखें, आज अपने मन के विमान से उड़ने के लिए मैं तैयार हूं और स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन में आकर मुझे ले जा रहे हैं इस मन के विमान से वहां जो मेरा घर है, इस भूमंडल पर मेरा घर, मेरा मीठा मधुबन। उड़ चले आकाश मंडल से ऊपर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, अरावली के आकाश को छूती पर्वत श्रृंखलाओं पर, महकती हुई इन हवाओं के बीच ओम शांति भवन के सामने पांडव भवन, चलो चलते हैं चारों धामों की यात्रा पर। स्नेह है जहां मुझे संपूर्ण बनाने के लिए इतना समीप है, जो समान बनाने के लिए सर्वशक्तियां बिखेर रहा है। बैठ जाएं, टिक जाएं, सब भूल जाए, यहां एक बाबा और मैं, कोई नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई बंधन नहीं। ये रूहानी दृष्टि, आनंद भरी सुखद दृष्टि, ये मधुर मिलन मेरे संस्कारों को बाबा के समान बना रहा है। मेरे मन की हर तार एक संग जोड़ रहा है, बुद्धि को शुद्ध दिव्य चमका रहा है। बाबा आपकी आशाओं का स्वरूप देख रही हूं मैं, आईना नजर आता है। ऐसा ही बनना है मुझे, संपूर्ण संपन्न आपके जैसा।
तो जैसे मुझे पल में अपने जैसा बना लिया है। ये मेरा सत्य सशक्त स्वरूप, यही तो मेरी इच्छा और तमन्नाओं का स्वरूप है। स्थित हो जाए पाप समान स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में, चलो चलते हैं अब स्नेह मिलन के धाम। फूल पत्तियों से सजी इन वादियों के बीच बाबा की कुटिया में कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताए, कुटिया के और जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बाबा का ये प्यारा स्वरूप, पिता का वो स्वरूप जो बच्चे को समझता है, मेरे अंतर के छिपे हुए हर दुख हर उदासी को, हर दर्द को बिना शब्दों के महसूस करता है। देखो बिन कहे समझ गया है मेरा पिता मुझे और मेरे अंतर को। बाबा की ये रूहानी प्यार भरे दृष्टि मुझ आत्मा को सशक्त कर रही है, हर उदासी को खुशी में बदल रही है, हर दुख को सुख में, हर नीरसता को आनंद में। संपूर्ण परिवर्तन की ये वेला है, स्नेह मिलन की ये वेला। डूब जाए स्नेह सागर की इन लहरों में, लीन हो जाए इस लव में, भूल जाए संपूर्ण जगत को। अब चले अपने महाधाम की ओर, शांति स्थान। शांति स्तंभ
जिसमें शक्ति समाई है। खड़े हो जाएं शांति स्तंभ की ओर मुख करके। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा शक्तियों की सर्व किरणों से मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। चारों ओर शांति स्तंभ के लिखित शिक्षाओं को इन शिलाओं में दग्ध इन वचनों को अपने अंतर में धारण कर ले। शांति स्तंभ के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाए। ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्र स्तंभ, अपने जीवन को इन सर्व गुणों और धारणाओं का स्वरूप बना ले। समस्त शक्तियों को धारण कर बाप समान स्थिति को दानी महादानी वरदानी आत्मा बनकर चले अपने चौथे धाम हिस्ट्री हॉल की ओर, जो यादगार है आदि से लेकर अब तक की बाबा की जीवन कहानी का, हमारी जीवन कहानी का। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है। याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। हर व्यर्थ जहां समर्थ बन जाता है, मन के चलते तेज संकल्प जहां रुक जाते हैं, ये वो हिस्ट्री हॉल है जहां हर चित्र अंतर के चरित्र को बदल देता है। ये यादें, ये शक्तिशाली स्मृतियां मेरे अंदर की वृत्तियों को बदल देती है। महसूस करें इन चित्रों के अंदर छिपे हुए समर्थ वाइब्रेशंस को अनुभव करें। सर्व समर्थ बन जाए
सदा के लिए व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। ये धाम है मुक्त होने का धाम, समर्थ स्वरूप, सशक्त स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार कर अपने भाग्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को उजागर करने का धाम है ये। बाबा, मेरा जीवन सफल है, ये चारों धाम मेरे चारों युगों में जो भी विकर्म हुए हैं उन सब को सदा के लिए दग्ध कर, जलाकर सुकर्म और श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होने के लिए इन चारों धामों को, इन सुखद स्मृतियों को अपने अंतर में सदा के लिए मस्तक पटल पर उजागर करें और लौट चले पुनः अपने कर्म क्षेत्र पर। मैं श्रेष्ठ कर्मों को करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। Shut up.